हर मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। रसूलुल्लाह की जात मुबारक थी, आपने जाहिरियत जहरा है आपको सामने पेश की, वो जो जितनी जाहिराना चाहिए है बदतरीन बद अखलाकी बद आमारी बद किरदारी बद जबानी बद फिक्री जितनी ये बदी थी सारी उनकी सोसाइटी के अंदर मौजूद थी और वो इज्जत ही समझाती थी। लेकिन उनको कोई अगर आप ये कहते कि बदकारी छोड़ दो वो कभी ना मानते, इसलिए कि उनके तो इज्जत की चीज़ थी, झूठ बोलना इज्जत की चीज़ थी, बदकारी करना बद आमारी करना बद फिक्री करना बद जबानी का ये सारी की इज्जत ही बनी थी सोसाइटी बच्ची की, वो कभी ना मानते। आपने इनमें किसी को इनका किसी को नहीं कहा कि झूठ बोलना छोड़ो बदकारी छोड़ो बुराई को छोड़ो, आपने आराम किया। उससे ज़्यादा किया जो इंसानी फितरत को अपील करती है वो क्या है, वो तालीम है। जाहिल से जाहिल जो तालीम की अज़मत को जानता है इसे कहा है मैं इख़ा इसमें रब्बी कर लीजिए खरा सब पढ़ो, चाहे क़िराअत की पढ़ने की तालीम की अज़मत से कोई फितरत इनकार नहीं कर सकता। कितना भी जाहिल से जाहिर हो तालीम की अज़मत को मानता है उसके लिए, तो इस्लाम इतना ही फितरत की रियायत करते हुए आपने हर तालीम को दिया क़िराअत से तालीम से आगाज किया खराब इसमें अब भी कर लीजिए खरा खरा कर इंसान में वहाँ से आगाज किया गया। तुम्हारी माँ के नफ्सियात वक्त को पहचानना मुखातबीन की नफ्सियात को पहचान कर पेश करना दीन का ये रखे बुनियादी फरीजा होता है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के अंदर वो लोग हमेशा पैदा होते रहें और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे जो वक्त की नफ्सियात को पहचान अकवाम की उम्म की नफ्सियात को पहचान कर दीन पेश करना शुरू किया और आज भी कर रहे हैं कल भी करेंगे। कबूल करना करना ना करना ये अल्लाह की तौफीक पर निर्भर है, हमारा काम पैगाम को पहुँचा दिया जो साहिब नबी होते हैं जिम्मेदारी आ रखी है उससे बड़ा जिम्मेदारी को महसूस करके अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए और अपनी इम्कानियत तक उसको पहुँचाने की कोशिश की है। यही आपका फरीजा है, हक तआला हमें इस फरीजे की अदायगी सही तौर पर तौफीक अदा फरमाए और इस दीन मतीन की सही तौर पर तब्दील का हमें अदा करने का तौफीक अदा फरमाए। मौजूद अपनी जगह पर ऐसा है कि कहने वाला भी चाहता है कि कहता ही है और सुनने वाले भी जाते हैं कि सुनते ही रहें, ना कि इसकी दिलचस्पियाँ कभी ख़त्म होने वाली नहीं, लेकिन भाई अपनी हिम्मत और इस्तेदाद के वक़्त ही यहाँ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं उनके सामने मुझ जैसे कम सवाद तालिबे को सर करना अगर चाहे जसारत थी, लेकिन आपने हुक्म दिया आपके हुक्म की तामीर में ये चंद कलमात मैंने तालिबान को जारी कर दिए। इन्हीं कलमात पर बात को ये कहकर ख़त्म करता हूँ कि कागज़ तमाम किल्क तमाम और हम तमाम पर दास्तान शौक अमीना तमाम है। अल्लाह ताला ये शौक और ये शौक हमारे अंदर बाकी रखे, सुनने का भी रहे बोलने का भी रहे कहने का भी रहे और अमल करने की तौफीक देता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसन अल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसन अल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम